नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के राज्यपाल ने दी नवरात्रि की बधाई। बिहार में शिक्षकों को ईद और रामनवमी पर नहीं मिलेगा अवकाश। बेगूसराय में 12 अप्रैल को लगेगा रोजगार मेला। बांका में सभी प्रत्याशी को मिला चुनाव चिन्ह। गौतम गंभीर को गले लगाते महेंद्र सिंह धोनी का वीडियो वायरल। उसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में शिक्षकों को ईद और रामनवमी पर नहीं मिलेगा अवकाश। बिहार में शिक्षकों को ईद और रामनवमी पर अवकाश नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग का फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों की असहजता को देखते हुए फैसला लिया है कि ईद में शिक्षकों को छुट्टी मिले, वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी मिले। मुख्यमंत्री की ओर से इस संबंध में आदेश दिया गया। हालांकि अन्य ट्रेनिंग कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जानकारी दी है और बताया है कि शिक्षकों को ईद के दौरान छुट्टी नहीं मिलेगी और प्रशिक्षण के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिहार के राज्यपाल ने दी नवरात्रि की बधाई। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चैत्र व शांति नवरात्र के मौके पर सभी को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कामना की है कि नवरात्र समस्त बिहार के लोग और देशवासी के जीवन में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए। मालूम हो कि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन माता के हर स्वरूप को समर्पित होता है। माता के हर रूप की उपासना होती है और इसी कड़ी में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी को नवरात्रि की बधाई दी है। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने पर 3 के खिलाफ केस दर्ज। लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने पर 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से मामला दर्ज हुआ है। भड़काऊ पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर एक यूनिट का गठन किया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक भड़काऊ टिप्पणी लिखने वाले 28 मामलों को दर्ज किया जा चुका है। 3 मामलों में केस दर्ज हुआ है। ये मामला पटना, नालंदा आदि जिलों से जुड़ा है। 7 मामलों में सनहा दर्ज हुआ है, वहीं 15 मामलों की जांच जारी है। आपको बता दें कि 19 मामले जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने से संबंधित है। बिहार के 10 IAS अफसर अलग अलग राज्यों में बने चुनाव प्रेक्षक। बिहार कैडर के 10 IAS अफसरों को चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में सामान्य प्रेक्षक बनाया है। समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना, बिहार मानवाधिकार आयोग के सचिव राजेश कुमार, राजस्व एवं भूमि विभाग के सचिव जय सिंह, वित्त विभाग के सचिव दीपक आनंद को अलग अलग राज्य में समान प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनके अलावा योजना एवं विकास विभाग के विशेष सचिव हिमांशु कुमार राय खान, निदेशक नैयर इकबाल, संग्रहालय निदेशक राहुल कुमार, मध्यान्ह निदेशक मिथिलेश मिश्र आदि भी इन अधिकारियों की सूची में शामिल है। आज से चैत्र नवरात्र की हुई शुरुआत, घोड़ी पर सवार होकर आ रही माँ। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इस बार माँ घोड़ी पर सवार होकर आ रही है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है, साथ ही सभी को सुख, सौभाग्य और दीर्घायु प्रदान करती है। आपको बता दें कि नवरात्र का समापन 17 अप्रैल को होने वाला है। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही शुभ त्योहार माना जाता है। वहीं हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। बेगूसराय में 12 अप्रैल को लगेगा रोजगार मेला। बेगूसराय में 12 अप्रैल को जॉब कैंप लगने वाला है। दरअसल बिहार सरकार की ओर से सरकारी क्षेत्रों में नौकरी देने के अलावा निजी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए प्रयास किया जाता है। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जिला नियोजनालय में जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। यहां पर 80 शिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्हें इंसेंटिव सहित अन्य सुविधाएं मिलेगी। लोगों को 14,000 से लेकर 28,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। 18 से 13 साल के युवाओं को नौकरी मिलेगी। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बांका में सभी प्रत्याशी को मिला चुनाव चिन्ह। बांका में सभी 10 प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नाम वापसी का कल अंतिम दिन था। वहीं 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण के नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया और 10 प्रत्याशी बांका के चुनाव मैदान में है। प्रशासन की ओर से फिलहाल चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। करीब 15 लाख मतदाता
अपने मताधिकार का प्रयोग बांका में करने वाले हैं। जिलाधिकारी अंशुल कुमार की ओर से यह जानकारी दी गई है कि 9 अप्रैल से ईवीएम को संबंधित विधानसभा के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद 10 अप्रैल को ईवीएम का रेंडमाइजेशन होगा। 16 अप्रैल से ईवीएम के कमीशनिंग का काम शुरू होगा। अरवल में ट्रक पर लोड 870 कार्टन विदेशी शराब बरामद। अरवल में ट्रक पर लोड 870 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया गया है। जिले के कलेड़ थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मौके से ट्रक चालक की गिरफ्तारी भी हुई है। विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर शराब को जब्त किया। ट्रक की तलाशी कर शराब को बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार 870 कार्टन में कुल 7,735 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। बताया जाता है कि गिरफ्तार वाहन चालक राजस्थान के बाड़मेर जिले के रामसागर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पटना हाईकोर्ट का फैसला, नवजात बच्चे के लिए पति का ससुराल से पैसे मांगना दहेज नहीं। पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है। इसमें कहा गया है कि नवजात बच्चे के लिए पति का ससुराल से पैसे मांगना दहेज नहीं है। बच्चे के पालन पोषण और परवरिश के लिए पत्नी के घर या फिर ससुराल से पैसे मांगना दहेज के दायरे में नहीं आता है। जस्टिस विवेक चौधरी ने एक पति के द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए ये टिप्पणी की। दरअसल पत्नी ने पति पर बेटी के जन्म के 3 साल के बाद उसके पिता से 10,000 दहेज की मांग का आरोप लगाया। इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि ये दहेज की परिभाषा में नहीं आता है। पुलिस ने शख्स के झोले से 22 लाख से अधिक कैश और चांदी को किया जब्त। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वाहन जांच के दौरान अररिया में शख्स के झोले से पुलिस ने 22,66,730 रुपए कैश और 1.5 किलो चांदी के जेवरात को जब्त किया। अररिया में फारबिसगंज थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस दौरान एक शख्स को भी हिरासत में लिया। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही बाजार का रहने वाला गौतम स्वर्णकार है। 1.5 किलो चांदी की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। नवादा में राजवंशी समाज के लोगों ने राजद कैंडिडेट के समर्थन का किया ऐलान। नवादा में राजवंशी समाज के लोगों ने राजद कैंडिडेट श्रवण कुशवाहा के समर्थन का ऐलान किया है और इसके साथ ही इन्होंने ये घोषणा की है कि वो भाजपा को अपना वोट नहीं देंगे। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी से हम लोग पहले फंस गए थे, लेकिन अब हम जुमलेबाजी में नहीं फंसेंगे। जुमला का मतलब चीट करना और ठगना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें चीट करने के साथ साथ पॉकेट मारी भी की है। चालाकी से हमारे पॉकेट से पैसे निकाले जा रहे हैं। कई चीजों की घोषणा की जा रही है, लेकिन किसी भी चीज का अता पता नहीं है। गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोड शो के लिए विशेष रथ तैयार। बिहार में लोकसभा चुनाव के 40 सीटों पर पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। ऐसे में अब चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड शो करने जा रहे हैं। 13 अप्रैल को नीतीश कुमार गया में रोड शो करने वाले हैं, जबकि 12 अप्रैल को औरंगाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड शो करेंगे और पहले चरण में जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद में लोकसभा का चुनाव होगा। इसमें एनडीए प्रत्याशी के लिए सीएम नीतीश कुमार वोट अपील करेंगे। मुख्यमंत्री के रोड शो के लिए तैयारी की जा रही है। रथ भी बनकर तैयार हो चुका है। तेजस्वी यादव ने लोगों से की खास अपील, बोले छलावे में नहीं सोच समझ कर करे वोट। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। साथ ही लोगों से उन्होंने खास अपील की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये लोग बोलते हैं कि देश का चुनाव है। अरे भाई, ये बताओ कि देश गांव, जिला और प्रदेश से ही ना बनता है। जब तक हमारा गांव, जिला, क्षेत्र और प्रदेश ही खुशहाल, समृद्ध और विकसित नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इसलिए अपने क्षेत्र के मुद्दों की बात करिए। 10 सालों में आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर सोचने की जरूरत है। आपस में प्रेम सौहार्द बनाए रखने से ही देश प्रदेश आगे बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने लोगों से कहा है कि वो छलावे में नहीं आए और सोच समझ कर वोट करें। भाजपा ने सारण के SDPO SDM की चुनाव आयोग से की शिकायत। भाजपा ने सारण जिले के SDPO और SDM की चुनाव आयोग से शिकायत की है। साथ ही इन पर गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी ने अधिकारियों पर लालू यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए काम करने का आरोप लगाया। सुरक्षा बलों की तैनाती में पक्षपात का आरोप है। बीजेपी ने नई दिल्ली स्थित मुख्य चुनाव आयुक्त, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सारण के जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की है। भाजपा का आरोप है कि उक्त अधिकारी
राजद के पक्ष में काम कर रहे सोनपुर के SDPO के खिलाफ चुनाव आयोग से भाजपा ने शिकायत की है। गौतम गंभीर को गले लगाते महेंद्र सिंह धोनी का वीडियो वायरल। महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर का गले लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मुकाबले के बाद का है। CSK ने KKR को 7 विकेट से हरा दिया और इसके साथ ही चेन्नई की टीम जीत की पटरी पर वापस लौट चुकी है। वहीं मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने गौतम गंभीर को गले लगाया। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को भी गले लगाया था। मालूम हो कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने IPL के शुरुआती मुकाबले में 2 मैच जीता था और उसके बाद टीम को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर KKR की ये 4 मैचों में पहली हार है। इस टीम ने शुरुआती मुकाबले में 3 मैच जीते थे। CSK पॉइंट टेबल में चौथे, वहीं KKR दूसरे नंबर पर है। गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी के एक दूसरे को गले लगाने पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, नुन्नू गोलू कुमार, पूजा ठाकुर, वरुण कुमार, रवि कुमार राम, मिथिलेश कुमार, नौशाद राजा, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, सदुल्ला पालवी, राजेश मांझी, धीरज कुमार, राकेश मिश्रा, सचिन कुमार, गुना शर्मा, रिंकी कुमारी, मोहम्मद शकीर हुसैन, प्रीति कुमारी, राजकिशोर महतो, काजल कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है वोट करने के दौरान आप किसी प्रत्याशी में क्या देखते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।